इस वाले प्रोग्राम में हम दो नंबर्स को स्वैप करेंगे, एक बार थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके और उसके बाद विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले हमारे को दो वेरिएबल्स चाहिए, इनपुट ए कॉमा बी। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट एफ एंटर एनी टू नंबर्स स्कैन एफ कराना होगा। एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी, एम परसेंट बी। ये क्यों कराते हैं हम, क्योंकि वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करानी होती है। दोनों नंबर्स इनपुट हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और लेंगे, थर्ड वेरिएबल जिसे हम टेम्प्रेरी वेरिएबल कहते हैं, टेम्प नाम से ले लेते हैं। और टेम्प में हम ए को असाइन करा देते हैं। अब ए की वैल्यू टेम्प में भी कॉपी हो गई, ए में भी है और टेम्प में भी है। अब हम क्या करेंगे, ए में हम ओवरराइट करा सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमने टेम्प में कॉपी कर दी है। तो ए में हमने बी को कॉपी करा दिया। अब बी में भी वही वैल्यू है जो ए में है। अब हम क्या करेंगे, ए में बी की वैल्यू आ चुकी है, तो बी में हम ओवरराइट करा सकते हैं टेम्प को। ठीक है, तो बी में वो ही वैल्यू आ गई जो ए में है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट समझिए, टेम्प में टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने ए की वैल्यू कॉपी कर दी। ए में और टेम्प में दोनों में ए की वैल्यू है। अब ए में जो भी वैल्यू थी उसको हमने ओवरराइट कर दिया बी से। अब बी और ए में सेम वैल्यू आ गई है। अब ए में बी की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा एक एम पूरा हो गया। इसके बाद बी में हमने टेम्प की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू कॉपी कर दी, यानी दोनों ही हो चुके हैं, स्वैप हो चुके हैं। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ए कॉमा बी, इस तरीके से हम प्रिंट करा सकते हैं इसको। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं पहले, अगर हम जैसे कि पहले थ्री और फोर वैल्यू देते हैं, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, फोर और थ्री, फोर एंड थ्री इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया। इसको थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन दे देते हैं हम इसको। ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखिए, थ्री फोर, तो ए इज इक्वल टू फोर एंड बी इज इक्वल टू थ्री। इसी प्रोग्राम को हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कर सकते हैं, टेम्प की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमारे को ए और बी का सम आ गया, यानी कि थ्री और फोर, अगर ए में थ्री है और बी में फोर है तो सेवन आ गया ए में। अब हम क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए ए में क्या है, सेवन, और बी में क्या है, फोर। सेवन माइनस फोर थ्री, और थ्री किसकी वैल्यू, थ्री ए की, तो ए की वैल्यू बी में आ गई। आया समझ में, जैसे कि ए प्लस बी क्या है, ए थ्री है। यहाँ मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, थ्री एंड फोर, तो ए की वैल्यू थ्री है और बी की वैल्यू फोर है, थ्री प्लस फोर सेवन, तो ए में क्या आ गई, सेवन। ठीक है, और सेवन माइनस फोर कितना हुआ, थ्री। थ्री किसकी वैल्यू थी, ए की थी। थ्री किसकी वैल्यू थी, ए की थी, और थ्री किस में आ गया, बी में। स्वैप हो गया ना, एक एक स्वैप हो गया, दूसरा स्वैप भी कर देते हैं। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी ए में क्या है, सेवन है, सेवन माइनस, अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हुई, थ्री। सेवन माइनस थ्री फोर, फोर किसकी वैल्यू थी, बी की, तो फोर ए को आ गई। तो इससे स्वैप हो गया, इसका आउटपुट देख लेते हैं। हम पहले इनपुट दे रहे हैं थ्री एंड फोर, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फोर एंड थ्री। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर खुद प्रोग्राम ये बनाइए।